मुंबई के महापालिका के चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियों के उम्मीदवार अपने अपने इलाके में चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। कुछ ऐसा ही नजारा दहिसर विधानसभा के वार्ड क्रमांक एक में भी देखने को मिला, जहां से बीजेपी से चुनाव लड़ रही सुची यादव ने एक रैली निकाली। मौके पर भारी संख्या में लोग इस रैली में शामिल हुए। इस दौरान हमारे संवाददाता रितेश पाठक ने सुची यादव से खास बातचीत की। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। मुंबई महानगर पालिका का आगाज हो चुका है चुनाव का। सारे कैंडिडेट अपने प्रचार प्रसार को लेकर उतर गए हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूं दहिसर विधानसभा के वार्ड क्रमांक एक में। हमारे यहां पे जो है तेज तर्रार प्रत्याशी जो है सुची यादव जी हैं। सबसे पहले मैडम ढेर सारी बधाई आपको बीजेपी से। धन्यवाद धन्यवाद आप लोग सबका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपसे जानना चाहेंगे कि आज आपने यहाँ पे जो है विजिट किया है, इसके पहले भी आप इस एरिए में जो है आती रही हैं, आज यहाँ की मूलभूत आवश्यकता जो है स्थानीय रहवासियों को क्या लगा, यहाँ की जो बदहाली की स्थिति है इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सारे लोग जानते हैं, जितने भी गणपत पाटिल नगर या वार्ड क्रमांक एक का जो बहुत बड़ा हिस्सा है उससे वाकिफ हैं कि लाइट, पानी, गटर, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। खुद हम जहाँ खड़े हैं वहाँ की सड़कों का हालत क्या है, यानी आदमी अगर हमको किसी से बात करनी है तो हमको पहले देखना पड़ता है हम खड़े कहाँ हैं। तो सबसे बड़ा जो चीज़ हमें करनी है वो ये है, लाइट, पानी, ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि ड्रेनेज सिस्टम हो और सड़कें, ये सारी चीज़ें हमें कर देनी है। मैडम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, कहीं ना कहीं मतलब जो सरकार दावा करती है मुंबई को संघाई बनाने की, मुंबई का जो है उपनगरीय इलाका है गणपत पाटिल नगर की, यहाँ की जो समस्याएं हैं वार्ड क्रमांक एक की, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आज़ादी के काफ़ी अरसे बीत जाने के बाद भी यहाँ की जनता जो है इससे जूझ रही है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ का प्रॉब्लम ये रहा है कि आज तक यहाँ पे लोगों को सिर्फ एक वोट बैंक की तरह देखा गया है। आइए इलेक्शन के वक्त मिलिए, चले जाइए, उसके बाद फिर 5 साल बाद हम फिर आ जाएंगे, फिर वोट मांग लेंगे। लेकिन इस बार भाजपा को मौका मिला है, आप पूरे देश का रवैया देख रहे हैं, मोदी जी से लेकर हमारे यहाँ पर गोपाल शेट्टी जी हैं, मनीषा ताई हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो ज़रूरी है कि गणपत पाटिल नगर इस बार भाजपा का साथ दे और विकास की तरफ बढ़े। आपने यहाँ का जिक्र किया, यहाँ के स्थानीय बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी जी के बारे में, मनीषा ताई जी के बारे में जो यहाँ की विधायिका हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब ये नगर सेवक का भी सीट आपको मिलता है, तो एक अलग नज़ारा देखने को मिले? जी बिल्कुल, हम उन्हीं के आदर्शों के साथ यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं, उन्हीं के आशीर्वाद के साथ यहाँ पे काम करना है, तो उन्हीं के आदर्शों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपको चेंज बहुत जल्दी पता चलेगा। मैडम आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ की जो समस्याएं हैं जनता आपको चुनती है तो अमूमन कितना टाइम लगेगा यहाँ की समस्याओं को दूर करने के लिए? देखिए, हमको 5 साल का टर्म दिया जाता है, मैं कम से कम 2 साल मांगूंगी सारे के सारे गणपत पाटिल नगर का सीन बदलने के लिए, तो 2 साल तो इनको मुझे देना ही देना है, और 2 साल के बाद आप लोग खुद ब खुद खुद आइएगा, आपको मैं खुद इन्वाइट करूंगी आने के लिए और खुद यहाँ का नज़ारा देख लिया जाएगा। आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि यहाँ की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगी? यहाँ की जनता से मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप लोगों ने बहुत सहा है 15 साल से, तो हम भी देख रहे हैं, अब इस बार ईमानदारी से वोट कर बदलाव की तरफ बढ़िए, भाजपा को लाइए, आप केंद्र का हाल देख रहे हैं, सारा कुछ बदल रहा है, तो आप भी इतिहास का हिस्सा बनिए और बदलाव की तरफ चले हमारे साथ। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थी वार्ड क्रमांक एक की जो है प्रत्याशी सुची यादव जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज़ादी के काफ़ी अरसे बीत जाने के बाद भी गणपत पाटिल नगर की मूलभूत आवश्यकताएँ यानी मुंबई के उपनगरीय इलाके में आज भी गाँव से भी बदतर स्थिति बनी हुई है, न तो शौचालय है, न तो समय पर बिजली आती है। इन्होंने दावा किया है कि हम 2 साल के अंदर ये जनता हमें चुनती है, नगर सेविका के पद पर जो है जीत कर बीएमसी में भेजती है, तो हम इनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन अजहर के साथ रितेश पाठक, ब्रेकिंग खबर मुंबई। पहले मैं आप सभी को बधाई देता हूं कि हमारी जो भाजपा की कैंडिडेट है सुची यादव, वो बहुत ही बड़े मतों से जीतने वाली हैं। गणपत पाटिल नगर पिछले 25 वर्षों से है, और यहाँ पर जब गोपाल शेट्टी जी पहली बार आमदार हुए तो उन्होंने लाइट लाया, लगभग 3,000 घरों में लाइट देने का प्रयास किया, 2500 घरों को लाइट मिला। उसके बाद हमारी सरकार बदल गई, विधायक बदल गए, नगर विधायक हो गए अभिषेक घुसालकर जी, पिताजी विनोद घुसालकर जी, आदित्य घुसालकर जी ने कुछ प्रयास ही नहीं किया, काम होने नहीं दिया। फिर कॉरपोरेशन आया, अभिषेक घुसालकर नगर सेवक हो गए,
10 साल इसके पहले कारपोरेटर में रही शीतल महात्रे कांग्रेस की, उन्होंने यहाँ के लोगों को ठगा, सिर्फ ठगा, झोपड़े को बनने दिया, बढ़ने दिया, जितना मूलभूत सुविधा चाहिए उन्होंने कोई प्रयास ही नहीं किया। यहाँ गणपत पाटिल नगर को जब तिवरांचे झाड़ जंगल घोषित कर रहे थे, उसमें माननीय राम नाईक जी, गोपाल चिट्टी जी ने, खुद मैं स्वयं, सारे सोसाइटियों को मिल करके इस फॉरेस्ट होने से बचाया। गोपाल चिट्टी जी ने 3000 करोड़ में लाइट लाया। पिछले साल जब हमारी सरकार बनी उसमें मनीषा ताई चौधरी जी विधायक जब गणपत पाटिल नगर के 5 नंबर में लाइट डालने का प्रयास कर रही थी, खड्डे खोद दिए गए, टाटा की लाइट का केबल पड़ गया, उसमें से अभिषेक घुसाल का जो अभी वर्तमान नगर सेवक हैं उन्होंने केबल को उखाड़ने का पाप किया, नहीं तो अभी तक 14 नंबर गली तक सभी को लाइट मिल गई होती। और उसके बाद जो गोपाल चिट्टी के प्रयास से 12 इंच की जो पाइप पड़ गई है उसमें से हर घर को पानी मिल गया होता। तो मैं समझता हूँ कहीं कहीं जातीय बात का, प्रांत बात का, कहीं कहीं किसी न किसी को ऐसा यहाँ के लोगों ने वंचित होना पड़ा है। यह बहुत बड़ी उत्तर भारतीय झोपड़पट्टी है तो इनको बार बार नेगलेक्ट किया जाता है। और यह इसलिए नेगलेक्ट किया जाता है, कोई जो भी हमारे लोग थे वह युति की बात करते थे कि फिर जो नगर सेवक हैं या जो नेता हैं वो फंसते थे, वो जिद पे आते थे कि नहीं हमको काम ही नहीं करने देना है। तो अभी एक जनता को मौका मिला है, सभी लोग जान चुके हैं कि इसका विकास सिर्फ और सिर्फ भाजपा कर सकती है। केंद्र में जो CRZ का मामला है उसको मनीषा ताई चौधरी ने सॉल्व कर दिया है, लगभग NOC मिल चुकी है, उसके बाद स्लम का पूरा फाइल रेडी हो चुका है। जो संजय निरुपम जी ने काम ही नहीं किया, हम लोग चिल्लाते रह गए, शीतल महात्रे भी काम नहीं किया 10 साल तक, लेकिन ताई ने, मनीषा ताई ने पूरी फाइल रेडी करके, कलेक्टर का विजिट भी हो गया है, सबके सब झोपड़े इसका जितने भी हैं उनके सबके नॉमिनेशन हो चुके हैं, आने वाले दिनों पूरी फाइल पुटअप है, CRZ हटेगा, उसके बाद यह स्लम हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि जब हमारी नगर सेविका आ जाएगी तो हमारे बीच में कोई बाधा नहीं रहने वाली है। नगर सेवक हमारा होगा, विधायक हमारा होगा, सांसद होगा, हमारी सरकार है, केंद्र भी हमारी है, तो हम CRZ की NOC ले लिए हैं, वो भी हमारे पास आ जाएगा, स्लम डिक्लेयर हो जाएगा, फाइल हमारी रेडी है। और उसके बाद इस गणपत पाटिल नगर को कोई भी गलीच बस्ती नहीं कहेगा, बहुत ही सुंदर साफ बनाएंगे, हम सभी मिलकर काम करेंगे, विकास से कम गति देंगे। ये जो है सवाल पिछले 27 सालों से मैं झेल रहा हूँ, जब माननीय राम नाईक जी थे तो यह बहुत सारी बातों के लोगों ने कहा, और राम नाईक जी ने कहा कि जब हम घर में कोई झोपड़ा, कोई चिड़िया घोंसला बनाती है तो उस समय हमें ध्यान देना चाहिए कि कौन सी चिड़िया घोंसला बना रही है, और घोंसले में अगर अंडा और उसके बच्चे आ गए तो उसको उजाड़ने का अधिकार किसी को नहीं होता है। ऐसे जब झोपड़पट्टी बस रही थी, जो भूमाफिया इसको बेच रहे थे, या इसको जब हम सभी मैंग्रोव काट रहे थे, जो भी लोग काट रहे थे, उसमें हम सभी ने ध्यान देना चाहिए था। तो राम नाईक जी ने उसमें विशेष करके उसमें इंटरफेयर किया कि नहीं, जिन्होंने किया उनके ऊपर केस लगाओ, लेकिन जो गरीब बेचारे जो पैसा दे करके फंसे हुए हैं उनको उजाड़ने का अधिकार आपको नहीं है। इस तरह से लोगों को बसने दिया, लेकिन जो सारी सुविधाएं दी, और इसी के नाम पर CRZ के नाम पर, या कभी हम श्रम की बात करके हम इनको झटक देते थे, लेकिन इनको मालूम पड़ गया, गोपाल चिट्टी जैसे तेज तर्रार नेता, मनीषा ताई चौधरी साहब विधायिका, हमारी सरकार की प्रायोरिटी है कि हम 2015-16 की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो ये बात कर रहे हैं कि जब तक कभी मुंबई में जो लोग रहे हैं उनको तो मूलभूत सुविधा जो हमारे कानून में है, पानी पीने का होना चाहिए, लाइट मिलनी चाहिए, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, ये सारी जो हमारी जो अधिकार मूलभूत हैं वो तो दे दो। अगर ये इलीगल बस्ती थी तो जो भी उस समय कलेक्टर थे, जो भी उस समय तहसीलदार थे, जो भी BMC के थे, वो क्या सो रहे थे या पुलिस क्या सो रही थी? बनने क्यों दिया? जब बनने दिया तो उस समय इलीगल नहीं था। और सभी की जो वोट आज यहाँ 15,000 लोगों के वोट हैं, जब वोट वैध हो सकते हैं, झोपड़पट्टी अवैध कैसे हो सकती है? तो यह कोई अवैध है ही नहीं सकते, यहाँ के लोग हैं, देशवासी हैं, भारत के रहने वाले हैं, ये हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हुए मैक्सिमम लोग हैं, ये कोई बांग्लादेशी नहीं है, कोई पाकिस्तान से आया हुआ नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि पहले तो अवैध शब्द गलत है, क्योंकि लोग वैध हैं, वोटर लिस्ट में नाम है, राशन कार्ड है, लोगों के पास आधार कार्ड है। बहुत सारे लोग जब हम कहते हैं टैक्स पेयर की बात करते हैं, तो जब हम साबुन भी खरीदते हैं, तेल भी खरीदते हैं, तो उसमें टैक्स, ऑल टैक्स इंक्लूड होता है। तो सभी लोग इस देश के नागरिक हैं, उनको सुविधा मिलनी चाहिए, गरीब लोग, गरीब होना कोई पाप नहीं है। तो मैं समझता हूं कि कुछ भी इलीगल नहीं है, कोई भी अवैध नहीं है, जिसमें उसमें बन रहा था, पुलिस दोषी है, BMC दोषी है, कलेक्टर दोषी है, तहसीलदार दोषी है, यहाँ की भोली भाली जनता को ठगा गया है। हमारे लोग भोले भाले हैं, अच्छे लोग हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी एडवोकेट सुची यादव, हम सभी मिलकर के इसका हम अधिकार लेकर छोड़ेंगे, हमारे सभी भाइयों को हम अधिकार दिलाकर छोड़ेंगे, अब बीच में कोई आने वाला नहीं है। और यहाँ की जनता जाग चुकी है कि सिवाय भाजपा के, सिवाय सुची यादव, सिवाय गोपाल चिट्टी, सिवाय कोई इसका चारा नहीं है, कोई इनको मूलभूत सुविधा देने वाला नहीं है।